किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करने पर वह काम ठीक से पूरा होता है और उसमें सफलता मिलती है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्था की जरूरत होती है। हम हर क्षेत्र में व्यवस्था करना जानते हैं, खेती की, दुकान की, नौकरी की, परिवार की, काम धंधे की, सबकी व्यवस्था करना जानते हैं। नहीं जानते हैं अपने जीवन की व्यवस्था करना। जीवन अव्यवस्थित ही रह जाता है, असंतुलित ही रह जाता है। इसका परिणाम मन की अशांति, मन की पीड़ा, प्रकृति की ओर से हर आदमी को तीन चीजें मिली हुई है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास धन नहीं है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीजें नहीं है। यही जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के पास सारी की सारी चीजें कहाँ हैं? यहां बहुत से लोग ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास कार नहीं होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन हर आदमी के पास तन, मन और वचन, ये तीन चीजें जरूर है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास शरीर ना हो। शरीर नहीं रहेगा तो संसार में रहेगा कैसे आदमी? और मन भी है सबके पास, मन ना हो तो सोचेगा भी नहीं आदमी, और वाणी की शक्ति मिली हुई है। इन तीनों को जो व्यवस्थित कर लेता है वही जीवन को सही ढंग से जीना जानता है। व्यवस्थित करने का अर्थ क्या है? शरीर से कोई ऐसा काम न करना जिससे अपने को पीड़ा मिले और दूसरों को पीड़ा मिले। मन से कोई ऐसी बात न सोचना जिससे मन विकारी हो, दूसरे की बुराई की बात सोचने से मन विकारी होता है, दूसरे के नुकसान की बात सोचने से मन विकारी होता है, और वाणी से कोई ऐसी बात न बोलें जिसे सुनकर दूसरों का मन दुखित हो जाए, व्यथित हो जाए, दूसरों को पीड़ा मिले। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जीवन यात्रा में जो भी लोग मुझसे मिले वे मुझे मेरे साथ प्रेम से बोले, मीठी वाणी में बात करें, कटु न बोले, अप्रिय न बोले, गलत न बोले। तो यही बात तो हर आदमी चाहता है। हम जैसा अपने लिए नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करें, बस ये सबसे बड़ा धर्म होगा। आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो कि नहीं जाते हो, राम की पूजा करते हो कि रहीम की पूजा करते हो, विष्णु को मानते हो कि शिव को मानते हो, आप कबीरपंथी हो कि वैष्णव हो कि वेदांती हो,
कि आर्य समाजी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतने से ही है कि ऐसा कोई व्यवहार दूसरों के साथ न करो जो व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते। बस दुनिया में अपने आप शांति आ जाएगी। लेकिन आदमी अपने लिए कुछ दूसरा चाहता है और दूसरों के लिए कुछ दूसरा व्यवहार चाहता है, दूसरा व्यवहार करता है। सब के सब दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाएं, तो स्थिति क्या होगी? अपने आप दुनिया बिगड़ जाएगी। बिगाड़ने के लिए अलग से कोई शैतान बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दुनिया में सब के सब, चाहे घर में, चाहे दफ्तर में, चाहे खेत में, खलिहान में, चाहे कहीं भी रहें, सब के सब दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करने लग जाएं, दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। किसी भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा व्यवहार हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे कर्मों पर निर्भर है। दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार वही कर सकता है जिसने अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया हो, जिसने अपने मन इंद्रियों पर संयम कर लिया हो, व्यवस्था कर लिया हो। व्यवस्था का अर्थ ही है कहीं कुछ गलत न होने देना। गलत हो रहा है तो व्यवस्था कहाँ है? जो बात नहीं कहनी चाहिए वो बात हम कह रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो व्यवस्था कहाँ है? जो नहीं सोचना चाहिए वह सोच रहे हैं, विकारी भावनाएं मन में हैं, तो मन में व्यवस्था कहाँ है? जो नहीं करना चाहिए वह काम कर रहे हैं, नहीं खाना पीना चाहिए वह चीज खा पी रहे हैं, तो व्यवस्था कहाँ है? और ये सब की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। दूसरा कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता है और दूसरा कोई किसी को सुधार नहीं सकता है, केवल प्रेरणा दे सकता है, कह सकता है बस तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी राय दे सकता है, लेकिन जबरदस्ती सुधार नहीं कर सकता। दुनिया में जितने संत पुरुष हुए हैं सभी ने सबका कल्याण चाहा है। आज भी जो संत पुरुष हैं वे भी सबका कल्याण चाहते हैं। यदि संतों के हाथ में, गुरुजनों के हाथ में, महापुरुषों के हाथ में हमारा सुधार होता, दुनिया का सुधार होता, तो दुनिया अब तक सुधर गई होती, क्योंकि संतों के मन में तो अपार करुणा होती है, दया होती है, वे तो सबका कल्याण चाहते ही हैं। इसी के लिए घूम घूम करके वे उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन उनके चाहने मात्र से क्या होने वाला है? जब तक हम स्वयं उनके उपदेशों को ग्रहण करके वैसा आचरण न करें, उनका काम केवल रास्ता बताना है। राह बिचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के चले उजार उजार। साहब कहते हैं रास्ता बिचारा क्या करेगा, रास्ता तो साफ सुथरा रास्ता है, पक्की सड़क बन गई एकदम चौड़ी। अब पथिक उस पक्की सड़क को छोड़ करके उबड़ खाबड़ में चलता है, खाई खंदक में, कांटे में, कंकड़ में चलता है, तो रास्ता पकड़ करके तो नहीं लाएगा उसको। तुम वहां क्यों चल रहे हो? देखो मुझे तो पक्का बना दिया गया है। कहां चलना है आपको और हमको सोचना होगा।
आपन मार्ग छोड़ के चले उजार उजारता कहते हैं पथिक राहगीर अपना रास्ता छोड़ करके उजाड़ में चलता है तो रास्ता क्या करेगा। गुरु बिचारा क्या करे शिष्य हिमा है चूक सकते हैं शिष्य में ही चूक है तो गुरु क्या कर सकते हैं। इसलिए हम अपने सुधार स्वयं करें। जीवन को व्यवस्थित बनाने की बात मैंने कही थी। व्यवस्थित करने की बात क्या है? गलत कर्मों का त्याग करके अच्छे कर्मों को करते रहना। हर आदमी जानता है क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन आदत ऐसी बन गई है, आसक्ति ऐसी बन गई है, लोभ ऐसा प्रबल है, स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि आदमी गलत को गलत जानते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा है और अच्छे को अच्छा जान करके भी उस रास्ते पर चल नहीं पा रहा है। तो ये तो अपना बनाया दुर्भाग्य है ना। कौन नहीं जानता है कि अमुक काम गलत है, अमुक काम सही है। गुरुदेव जी दो दिन पहले बता रहे थे एक जगह, एक भक्त थे, अच्छे संत सेवी, उनके घर बराबर संतों का आगमन हुआ करता था, लेकिन कुसंग में पड़ करके उसकी आदत बन हो गई थी गांजा पीने की। संतों की सेवा भी करता था और गांजा भी पीता था। बहुत दिन बीत गए, एक बार संत समाज का आगमन हुआ उनके घर। भगत जी बूढ़े हो गए थे, गांजा पीते थे, खांसते भी थे, तो महात्माओं ने कहा कि भगत जी ये गांजा पीना छोड़ दो। कहता है 50 साल से पी रहा हूं, कैसे छूटे। देखो 50 साल का साथी को छोड़ने को कितनी मजबूरी होगी, कितनी कठिनाई होगी। साहब 50 साल से पी रहा हूं, छोड़ना मुश्किल। तो महात्मा ने कहा कि नुकसान करता है साहब, जानता हूं। बोलो अब जानते हो तो छोड़ को नहीं पाते हो। यही है आदत, यही है आसक्ति। जानते हुए भी आदत का गुलाम बन जाना। इतना सुंदर जीवन मिला है मनुष्य का जीवन, सुंदर बुद्धि मिली है, स्वस्थ इंद्रियां मिली हुई है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, और सभी संतों ने एक स्वर से कहा है बड़े भाग्य मानव तन पावा। मनुष्य शरीर का पाना बहुत सौभाग्य का फल। दुनिया का सिरमौर प्राणी मनुष्य अपने को बुद्धिजीवी प्राणी कहता, बुद्धि पूर्वक जीवन जीने वाला प्राणी कहता है, और जो मनुष्य अपने मन इंद्रियों को संयमित कर ले, सुधार ले, तो परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। मनुष्य से बढ़कर दुनिया में दूसरा और कोई प्राणी नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य गांधी का गुलाम बन गया, कोई तंबाकू का गुलाम बन गया, कोई बीड़ी का गुलाम बन गया। मनुष्य जीवन की कितना कितनी तौहीनी, कितना अपमान है। अरे अपनी कीमत तो समझो। 2 पैसे की बीड़ी बड़ी हो गई और आप दुनिया का महान प्राणी उनके सामने गुलाम बन गए। गुलामी किसी को प्रिय नहीं है। किसी आदमी को एक कमरे में बंद कर दो और कहो तुम्हें 1 सप्ताह तक यही रहना है, खाना पीना मिलता रहेगा, कह गए तो गुलामी है, मैं पसंद नहीं करूं कर सकता। कह दो है सब सुविधा तुम्हें मिलेगी यहां पर, चाहे तुम टीवी देखना चाहो तो टीवी की व्यवस्था कर देंगे, रेडियो सुनना चाहो उसकी भी व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने जो चाहे सब व्यवस्था कर देंगे, तुम्हें सप्ताह भर तक
कमरे से बाहर नहीं निकलना है और तुमसे कोई मिल नहीं सकता। कह दे तब तो फिर मुझे क्या फायदा है, मैं यहां रहूंगा नहीं। किसी को किसी अपराध के कारण न्यायालय द्वारा जेल हो जाता है, किसी को 6 महीने का, किसी को साल भर का, किसी को 2 साल, किसी 10 साल, किसी को आजीवन। 6 महीने का ही जेल हो गया, घर वाले बहुत दुखी हो गए, हमारे भैया को, बाबा को, बेटा को जेल हो गया 6 महीना के लिए। वो आदमी स्वयं दुखी हो जाता है कि मुझे जेल हो गया, और बीड़ी के जेल को जिंदगी भर सहन कर रहा है, वहां पर दुखी नहीं हो रहा है कोई। तंबाकू के जेल को, तंबाकू की गुलामी करते करते जिंदगी बीती जा रही है, कोई दुखी नहीं होता है। कितना दुर्भाग्य, कितना अपने को बेच दिया है आदमी, अपनी कीमत समझ नहीं पा रहा है। इसलिए साहब ने कहा है, अवधु कुदरत की गति न्यारी, रंक निवाज करे वह राजा भूपति करे भिखारी। क्या कहते हैं, ऐ अवधु, तो कुदरत की जो गति है बड़ी विलक्षण है। कुदरत कहते हैं प्राकृतिक शक्ति को, लेकिन यहां कुदरत का अर्थ है मनुष्य के मन की माया। माया की शक्ति बड़ी विलक्षण है, माया की करतूत, माया का कार्य बड़ा विलक्षण है। वो तो क्या करती है माया, रंक निवाज करे वह राजा भूपति करे भिखारी, गरीब पर कृपा करके उसे राजा बना दिया, और जो राजा था उसे भिखारी बना दिया। यह माया की करतूत, यह माया की देन। गरीब पर कृपा किया, उसे राजा बना दिया, राजा पर क्रोध किया, उसे भिखारी बना दिया। गरीब कौन, तुच्छ, 2 पैसे की बीड़ी पर कृपा कर दी, बीड़ी सम्राट बनकर के आदमी के सिर पर सवार हो गई है, और आदमी जो राजा था बीड़ी का दंडवत कर रहा है। कैसा आश्चर्य है। कितने लोग कहते हैं, मैं भूखों भले मर जाऊंगा लेकिन किसी के आगे 2 रोटी के लिए हाथ नहीं पसार सकता, मैं खानदानी आदमी हूं, बड़े कुल का आदमी हूं, रोटी के लिए मैं हाथ पसारू किसी के सामने, मर जाऊंगा भूखों लेकिन रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगा। वही आदमी बीड़ी के लिए हाथ पसारता, भैया बीड़ी दोगे क्या। जिस रोटी के बिना जीवन नहीं चल सकता उसके लिए तो शान से कहता है मर जाऊंगा लेकिन रोटी के लिए हाथ नहीं पसार सकता, और जिस बीड़ी के बिना, तंबाकू के बिना जीवन आराम से चल सकता उसके लिए हाथ पसारता है। ये आदमी का अपमान कौन कर रहा है, आदमी अपना अपमान स्वयं कर रहा है, अपने को स्वयं बेच रहा है, और बीड़ी तंबाकू के लिए भीख मांगता। इसलिए किसी ने कहा है, नहीं जानता मांगना भीख तो तंबाकू पीना सीख। यदि तुम्हें भीख मांगना नहीं आता है तो तंबाकू पीना सीख लो, अपने आप आ जाएगा कैसे भीख मांगी जाती है। तो मैं ये कह रहा था, इतना महान प्राणी जिसके लिए कहा जाता है कि देवताओं के मन में भी मनुष्य शरीर पाने की कामना होती है, ऐसा मनुष्य जीवन आज मिला हुआ है। कहां कहां कितनी कितनी गंदी गंदी आदतों का आदमी गुलाम बन करके अपने आप को बेच रहा है। ये गुलामी किसने बनाई, स्वयं ने ही तो बनाई है। क्यों, अपने आप को आदमी व्यवस्थित नहीं रख पाया है, और जो व्यवस्थित नहीं रख पाया तो जीवन में अव्यवस्था तो आनी ही आनी है। अपने को संभाल लिए होते, मन को संभाल लिए होते, इंद्रियों को संभाल लिए होते, वाणी को संभाल लिए होते तो आप तुच्छ न बनते, महान हो गए होते, भगवानों के भगवान बन जाते। जिन्होंने अपने मन पर, वाणी पर और इंद्रियों पर संयम कर लिया वो भगवान बन गया। कहीं अलग से भगवान थोड़े मिलता है, अलग हम केवल भगवान की कल्पना करते हैं कि ऊपर आकाश में
कोई भगवान बैठा हुआ है, लेकिन ऊपर आकाश में न कोई भगवान बैठा है और न कोई शैतान बैठा है। भगवान और शैतान यदि कहीं हैं तो इंसानों के बीच में है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित कर लिया, अपने आप पूर्ण नियंत्रण कर लिया, पूर्ण निर्मल बना लिया अपने आप को, वह भगवान हो गया। और जिन्होंने अपने आप पर नियंत्रण नहीं किया, तन अव्यवस्थित, मन अव्यवस्थित, वाणी अव्यवस्थित, कर्म अव्यवस्थित, जो स्वयं कष्ट पा रहा है, दूसरों को तकलीफ दे रहा है, वो शैतान बन गया। इसलिए प्रकृति ने हमें इंसान बना करके पैदा किया है, अब इंसान से ऊपर उठ करके भगवान कैसे बनना है हमें सोचना होगा। और इसी के लिए ही इस सत्संग की जरूरत होती है। लोग कहते हैं कि संत महात्मा गुरु आदमी को भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो संत महात्माओं की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, और जब तुम उनकी शरण में रह करके उनकी सेवा भक्ति करोगे तो संत महात्मा और गुरु तुम्हें भगवान से मिलने का रास्ता बता देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? संत महात्मा गुरु हमें भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बताते, किंतु वे हमें भगवान बनने का रास्ता बताते हैं कि हम स्वयं भगवान कैसे बने। भगवान कौन? लोग कल्पना करते हैं जिन्होंने दुनिया का निर्माण किया है वो भगवान है, लेकिन दुनिया तो अनादि अनंत है, सदा से चलती आ रही है, इसको बनाने वाले की आवश्यकता क्या है? ऐसा कोई भगवान कहीं बैठा नहीं है दफ्तर सजा करके, जहां सोच सोच करके वह दुनिया का निर्माण करता हो। वह भगवान तो आदमी ने स्वयं बनाया है। बस भगवान कौन? हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा है, भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। अर्थात जिन्होंने अपने बंधनों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने अपने बंधनों को काट दिया है, जिनका जीवन निर्बंध हो गया, जिनका अपने आप पर, तन पर, मन पर, वाणी पर, कर्मों पर पूरी तरह से संयम है, नियंत्रण है, जीवन निर्मल है, वे संत महात्मा ही भगवत स्वरूप है, प्रत्यक्ष भगवान है। और उनकी उपासना करते हैं हम, उनकी शरण में जाते हैं, तो वे भी हमें ऐसे ही बनने की राय देते हैं। बंधनों को काट दो, बस आप स्वयं भगवान बन गए, स्वयं कृतार्थ रूप हो गए। साहब सदगुरु कबीर ने भी यही कहा है, कर विचार विकार परिहरी, तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीया और न कोए। जिन्होंने विचार करके अपने जीवन के विकारों का परित्याग कर दिया, जीवन को पूरी तरह से निर्मल बना दिया, वे तरण है, दुनिया से मुक्त है। और ऐसे संत महापुरुष ही औरों को भी मुक्त करने वाले हैं, मुक्ति का रास्ता बताने वाले हैं। साकत कहीं कबीर भगवंत भजुनर, ऐसे निर्मल जीवन महापुरुष जो प्रत्यक्ष भगवत रूप है, ऐ लोगों उनकी ही सेवा करो, तुम्हारा उद्धारक अलग कोई भगवान के ही बैठा हुआ नहीं है। इसलिए हम संतों की शरण में जाएं और संतों की शरण में जा करके आत्मज्ञान प्राप्त करके अपनी शरण में आएं। हम हर चीज की व्यवस्था करना जानते हैं, किंतु जीवन की व्यवस्था करना नहीं जानते, इसीलिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरा जीवन बीत जाता है। जो काम हमें करना चाहिए था मनुष्य जीवन पाकर, वह हम नहीं कर पाते, अव्यवस्था में ही जिंदगी बीत जाती है। अपने तन, मन और वचन पर संयम, शुभ कर्मों का संपादन करना, जीवन को पूर्ण निर्मल बनाना, यह जीवन की व्यवस्था करने और इसकी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ही
सत्संग का आयोजन होता है। गुरुदेव जी संत समाज हमें इसके लिए रास्ता बता रहे हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। गुरुदेव जी विराजमान हैं, वातावरण को जैसे शांत बनाए हैं ऐसे शांत बनाए रखें, ताकि एकाग्र होकर के आप गुरुदेव जी की निर्मल वाणी से लाभ प्राप्त कर सकें।